अयोध्या फैसले के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने 14 नवंबर यानी गुरुवार को ताबड़तोड़ तीन बड़े मामलों पर भी अपना फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि तीनों ही मामले ऐसे थे जिनसे देश की सियासत एक समय पर धधकने लगी थी। इन मामलों में सबरीमाला, राहुल गांधी अवमानना और राफेल डील पर पुनर्विचार शामिल है। जानकारी हो कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को अपने पद से मुक्त हो रहे हैं। ऐसे में जस्टिस गोगोई अपने रिटायरमेंट से पहले उन सभी मामलों को निपटाना चाहते हैं जो मामले उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के पटल पर आए थे। तो आइए जानते हैं इन तीनों विवादित मामलों पर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और ये क्या मामले थे। राहुल गांधी पर कोर्ट का फैसला। अवमानना केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने राहुल की माफी को मंजूर करते हुए अवमानना केस नहीं चलाने का आदेश दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी भी दी। राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक मसलों में कोर्ट को न घसीटे, राजनेताओं को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए, भविष्य में राहुल गांधी कोर्ट के फैसलों या तर्कों को तोड़ मरोड़ कर न पेश करे। ये है मामला। 10 अप्रैल 2019 को अमेठी में राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। इसके बाद 12 अप्रैल को राहुल गांधी के बयान के खिलाफ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को उनके बयान पर जवाब तलब किया। 22 अप्रैल को राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि चुनावी रैलियों के दौरान बगैर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक से देखे गलती से बयान दे दिया, इस बयान के लिए खेद है। 23 अप्रैल को राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया। सबरीमाला मामले में कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला के मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में एंट्री के मामले में सुनाए गए फैसले के खिलाफ 65 रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछला फैसला बना रहेगा। सरकार का कहना है कि सरकार देखे कि उसे अमल करना है या नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को 3-2 के बहुमत से 7 जजों वाली बेंच को भेज दिया है। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2018 को सभी महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत देने वाला फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि लिंग के आधार पर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को रोकना एक भेदभाव वाली प्रथा है जिससे महिलाओं के मौलिक अधिकार का हनन होता है। राफेल पर कोर्ट का फैसला। वहीं कोर्ट ने राफेल मामले में अपना फैसला सरकार के पक्ष में सुनाया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला पढ़ते हुए याचिकाकर्ताओं के द्वारा सौदे की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलें खारिज की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि इस मामले में कोई FIR दर्ज होनी चाहिए या फिर किसी तरह की जाँच की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अभी इस मामले में एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा हलफनामे में हुई भूल को स्वीकार किया है। क्या था मामला? बता दें कि राफेल सौदे मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्र मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी की ओर पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थी। इनमें 14 दिसंबर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी जिसमें फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। लीक दस्तावेज का हवाला देते हुए आरोप लगाए गए कि इस डील में PMO ने रक्षा मंत्रालय को भी भरोसे में नहीं लिया। कोर्ट में विमानों की कीमत को लेकर भी याचिका डाली गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो ठोस सबूतों के बगैर इस मामले में दखल नहीं देगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए इन फैसलों का सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथ मीडिया।